Hello students, welcome to IBPS Banking. Today we will discuss the banking awareness for the December month. December month के banking awareness का second part आज हम discuss करने वाले हैं. First part हम पहले discuss कर चुके हैं. आज हम discuss करने वाले हैं उसका second part. चलिए start करते हैं. RBI ने एक committee बनाई है code for responsible lending को देखते हुए micro credit sector के अंदर code for responsible लेंडिंग के लिए आरबीआई ने कमेटी बनाई है. इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? इस कमेटी के चेयरमैन आरबीआई ने किसको बनाया, मतलब किस पर्सन की कमांड में कमेटी बनाई गई है? तो ये पर्सन है आरबीआई के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर, दैट इज एचआर खान, हरुण रशीद खान की कमांड में आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है माइक्रो क्रेडिट सेक्टर में कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग को लेकर. चलिए आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज कर दिया. इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल प्रेजेंटली है 3500 करोड़ रुपीस. देखिए इसके अंदर इस कंपनी ने काफी सारा पैसा बोरो किया हुआ है, तो बेसिकली कैपिटल रेज करने से क्या होगा, इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये अपना बोरोइंग्स को पे ऑफ कर सकती है, अपना जो लोन है वो उतार सकती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो अभी इसका कैपिटल है 3500 करोड़ रुपीज, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल अभी रेज कर दिया गया. तो रेस करके कितना कर दिया, दस हजार करोड़ रुपए कर दिया गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑथोराइज्ड कैपिटल. इसका अभी क्या है, पेडअप कैपिटल और ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल अभी इसका है 3500 करोड़ और पेडअप कैपिटल है 3447 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली. देखिये पेडअप कैपिटल और पेडअप कैपिटल और ऑथोराइज्ड कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है. ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है कंपनी का मैक्सिमम शेयर्ड इश्यूइंग कैपेसिटी. एक कंपनी मैक्सिमम कितने अमाउंट तक के शेयर इशू कर सकती है वो होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल. एंड पेडअप कैपिटल होता है कितने अमाउंट के उसने शेयर इशू किए हुए हैं. तो अब पहले क्या था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिर्फ 3500 करोड़ तक के शेयर ही इशू कर सकता था, अब ये 10,000 करोड़ रुपए तक के शेयर इशू कर सकता है, तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी. क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे. FCI की बात करें तो 1964 में आया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इसका जो काम होता है वो MSP को लेकर होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और द फार्मर्स के लिए वर्क करता है, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए इसका बेसिकली काम रहता है, ताकि जो फूड है वो उसके चलते हुए फार्मर्स को भी प्रॉपर पैसा मिले और कंट्री के अंदर फूड का प्रोसेस भी चलता रहे. और हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के जो मिनिस्टर है उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल. और अगर मैं बात करना चाहूँ फार्मर्स को लेकर, तो देखिए फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई हुई है, दैट इज अशोक दलवाई कमेटी. किस लिए बनाई है? फॉर डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय 2022. 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए एक कमेटी बनाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फार्मर्स को लेकर. और हमारे जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर है उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर. बढ़ते हैं आगे. Sustainable Development Goals Index 2019 और 2020 में टॉप किसने किया, कौन सा स्टेट बहुत अच्छे लेवल पे रहा? तो ये स्टेट है केरला. केरला 70 स्कोर के साथ, द स्कोर ऑफ 70 के साथ टॉप पे रहा, और इसके बाद रहा हिमाचल प्रदेश सेकंड रैंक के अंदर. देखिए ये जो लिस्ट आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की जो लिस्ट आती है इसको डिक्लेयर करता है कौन, इसको डिक्लेयर करता है नीति आयोग. की अगर हम बात करें, नीति आयोग पहले आपने सुना होगा इंडिया में एक बॉडी काम करती थी, प्लानिंग कमीशन. इंडिया में 5-year प्लान्स चलते थे. तो जब मोदी सरकार आई 2014 में, तो मोदी सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक बॉडी बनाई, दैट इज नीति आयोग. ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन स्टैचुअरी बॉडी है नीति आयोग, मतलब इसको संविधान के तहत नहीं बनाया गया, ना ही इसको बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर कोई एक्ट पास करवाया गया. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं खुद प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इटसेल्फ इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. और वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो, उनका नाम है श्री अमिताभ कांत. वाईएसआर नेथना नेस्थम वेलफेयर स्कीम ये किस राज्य ने शुरू की, किस राज्य ने ये स्कीम चलाई है. बेसिकली स्कीम का फोकस क्या है,
कि जो भी यहाँ के हैंडलूम वीवर फैमिलीज हैं, इस राज्य के अंदर जो हैंडलूम वीवर फैमिलीज हैं, सरकार उनको पैसा देने वाली है हर साल 24,000 रुपए, 24,000 रुपीज पर ईयर। और बेसिकली 5 ईयर का टारगेट किया गवर्नमेंट ने स्कीम के अंदर, तो 5 साल के अंदर एक एक फैमिली को कितना मिल जाएगा, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपीज टू ईच फैमिली विद इन 5 ईयर अंडर द YSR नेशनम स्कीम, इतना नेशनल वेलफेयर स्कीम। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। देखिए YSR जहां पे आया तो यहां से मैं गाड़िया लगा सकते हैं क्योंकि ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, तो YS से YSR, क्योंकि यहां पर जो YS जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। तो YSR नेथना नेस्टम वेलफेयर स्कीम आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश किस बैंक ने मध्य प्रदेश को रोड डेवलपमेंट के लिए, रोड्स को अपग्रेड करने के लिए $490 मिलियन का लोन दिया? किस इंस्टीट्यूशन ने, किस बैंक ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये पैसा दिया मध्य प्रदेश की सरकार को? तो देखिए ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश की सरकार को $490 मिलियन का लोन दे दिया है ताकि यहाँ पर 1600 किलोमीटर के स्टेट हाईवे को अपग्रेड किया जा सकता है, किया जाए मध्य प्रदेश के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये बना था 1966 में, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है ताकेहिको नकाओ जी। बेसिकली 17th ऑफ जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, तो 17th ऑफ जनवरी को यहाँ के नए प्रेसिडेंट बना दिए जाएंगे। 16th ऑफ जनवरी को ताकेहिको नकाओ जी रिटायर हो रहे हैं, तो नए जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसटसुगु असाकावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट को और भी काफी सारे लोन दिए हुए हैं। अगर मैं रीसेंट लोन्स की बात करूं तो $206 मिलियन का लोन दिया तमिलनाडु की सरकार को अर्बन सर्विसेज के लिए। उसके बाद चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का लोन दिया हुआ है। बेसिकली ये भी हम तमिलनाडु की बात ही करेंगे, चेन्नई और कन्याकुमारी। और कॉम्प्रेहेंसिव वाटर मैनेजमेंट के लिए कर्नाटका की सरकार को दिया हुआ है $91 मिलियन का। और इसने लोन दिया हुआ है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को $250 मिलियन का। और बेसिकली एडीबी ने जो इंडिया का ग्रोथ प्रेडिक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए वो किया है 5.1% कहता है एडीबी की इंडिया ग्रो करेगा। एसबीआई ने $277 मिलियन का लोन साइन किया है केएफडब्ल्यू बैंक के साथ। तो केएफडब्ल्यू बैंक ये किस देश का बैंक है, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है केएफडब्ल्यू बैंक? तो ये बैंक है जर्मनी का, ये जर्मनी का बैंक है केएफडब्ल्यू बैंक। जर्मनी का एक वन ऑफ द टॉप 3 में आता है ये बैंक, बहुत ही बड़ा बैंक है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ने इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है $277 मिलियन का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एसबीआई बना था अंडर द एसबीआई एक्ट 1955 ऑन द 1st July 1955। एंड इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। एसबीआई में बेसिकली 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो प्रेजेंटली 3 काम कर रहे हैं, एक सीट वेकेंट है एसबीआई के अंदर, एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर्स की। तो प्रेजेंटली 3 मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन से हैं, अरिजित बसु, पीके गुप्ता एंड दिनेश कुमार। ये 3 हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर्स, और एक सीट वेकेंट है। क्योंकि वेकेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर काम कर रही थी एक लेडी अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट कर लिया अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वो चली गई है वर्ल्ड बैंक में, तो यहां पर एक सीट वेकेंट हो रखा है। चलिए बढ़ते आगे। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने किस बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 5,000 करोड़ रुपए का? 5,000 करोड़ रुपए का लोन देगा वो बैंक इस नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई इसको पैसा देने वाला है कितना, 5,000 करोड़ रुपए। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये बना था 1975 में। इसके जो सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है गुरदीप सिंह। एसबीआई के बारे में हमने अभी बात की थी। एसबीआई के बारे में अगर मैं एक और बात करूं तो एसबीआई ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए कितना किया है, 2019-20 के लिए कितना किया है? तो एसबीआई पहले तो कहता था 5%, बट अब एसबीआई कहता है 4.6% कि इंडिया 4.6% ही ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 20 में। चलिए बढ़ते आगे। वॉलमार्ट ने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड वॉलमार्ट ने लॉन्च किए हैं किस बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन करके? वॉलमार्ट, देखिए वॉलमार्ट क्या है, वॉलमार्ट यूएस की ऑफलाइन मार्केट की एक कंपनी है। इंडिया में भी वॉलमार्ट बिजनेस करता है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 2008-09 में वॉलमार्ट इंडिया में आया था। इंडिया में आपने देखा होगा B2B स्टोर्स, बेस्ट प्राइस स्टोर,
सुपरमार्केट स्टोर की बात अगर हम बात करें तो एक बेस्ट प्राइस सुपरमार्केट स्टोर आते हैं उसका ऑनर वॉलमार्ट ही है। वॉलमार्ट ने पहले भारतीय इंटरप्राइजेस के साथ मिलकर ही अग्रीमेंट किया था, बट 2013 में वो अग्रीमेंट खत्म हो गया, तो वॉलमार्ट अकेला मालिक है अब किसका, B2B स्टोर्स का, बेस्ट प्राइस स्टोर्स का। तो वॉलमार्ट और भी न्यूज में था क्योंकि वॉलमार्ट ने 2018 में इंडिया की टॉप मोस्ट ई कॉमर्स सेक्टर कंपनी फ्लिपकार्ट में 77% स्टेक परचेज किया। तो वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का भी मालिक है, फ्लिपकार्ट ग्रुप का मालिक है। तो वॉलमार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर यहां पर लॉन्च किए हैं को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो ये बैंक है एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर। एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक बना था 1994 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो एमडी है उनका नाम है आदित्य पुरी। तो B2B स्टोर, अपने बेसिकली स्टोर कस्टमर्स के लिए ही वॉलमार्ट ने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, दैट इज को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। आरबीआई ने किस बैंक को अपॉइंट किया है लद्दाख के अंदर। देखो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 उठाया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग दो यूनियन टेरिटरीज बन गई, तो बेसिकली स्मॉल एरियाज में बैंकिंग पहुंचाने के लिए आरबीआई लेड बैंक को अपॉइंट कर देता है। तो लद्दाख के अंदर बैंकिंग सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए आरबीआई ने किस बैंक को यहां पर लेड बैंक अपॉइंट किया है, तो वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए आरबीआई ने दो बैंक अपॉइंट किए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में अलग, लद्दाख में अलग। तो जम्मू एंड कश्मीर में लेड बैंक अपॉइंट किया गया वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, वो बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, और लद्दाख के लिए अपॉइंट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की अगर मैं बात करूं तो 1938 में बना था जम्मू एंड कश्मीर बैंक श्रीनगर में हेडक्वार्टर है इसका, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। चलिए बढ़ते हैं आगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020। देखिए सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च हर साल अपनी एक रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट को बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये बेसिकली एक पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट है, पॉलिसी एंड रिसर्च मेकिंग इंस्टीट्यूट, ये हर साल दुनिया की इकोनॉमीज को लेकर एक लिस्ट प्रोड्यूस करता है। तो इस साल 2020 की अपनी रिपोर्ट में ये इंडिया के बारे में क्या कहता है, तो बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट का एक टारगेट है $5 trillion इकोनॉमी, हमारा एक टारगेट है क्या, इंडिया वांट टू बिकम $5 trillion इकोनॉमी, कब तक, 2024-2025 तक, ये हमारा टारगेट है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल क्या कहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल कहता है कि इंडिया अपना ये टारगेट 2024-25 तक अचीव नहीं कर पाएगा, इंडिया अपना ये टारगेट अचीव करेगा 2026 में। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल क्या कहता है कि इंडिया 2026 में जर्मनी को क्रॉस करता हुआ दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस, सेकंड पे आता है चाइना, थर्ड पे आता है जापान, फोर्थ पे आता है जर्मनी। तो ये कहता है, ये रिपोर्ट कहती है कि फोर्थ पे आ जाएगा 2026 तक इंडिया जर्मनी को क्रॉस करता हुआ, और 2034 तक, 2034 तक इंडिया जापान को क्रॉस करता हुआ थर्ड पे आ जाएगा, इंडिया जापान को क्रॉस करता हुआ थर्ड पे आ जाएगा, कब तक, 2034 तक, ये कहती है ये रिपोर्ट। और इसके बाद ये रिपोर्ट क्या कहती है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया बनेगा 2034 में, उससे पहले 2033 में चाइना यूएस को क्रॉस करता हुआ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ये कहती है ये रिपोर्ट, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च का वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, 20th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई। देखिए आरबीआई रिपोर्ट डिक्लेयर करता है हर साल एक, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, तो ये आई है इस बार 20th रिपोर्ट 2020 के लिए। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, तो रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है सबसे पहले ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं। देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बैंक के बैड लोन्स होते हैं, द बैड लोन्स ऑफ द बैंक, दे आर कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एक बैंक का जो रिटर्न मनी होता है, जब 90 डेज में कोई पैसा वापस नहीं आता है, एक लोन अकाउंट 90 डेज तक बंद रहता है कि 90 डेज तक उसका कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आता है कंटिन्यूसली, तो उसको कंसीडर कर लिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एनपीए दो तरह का होता है, एक होता है ग्रोस एनपीए, एक होता है नेट एनपीए, एनएनपीए और जीएनपीए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जीएनपीए और ग्रोस एनपीए में, और जीएनपीए और एनएनपीए में, तो देखिए ग्रोस एनपीए होता है टोटल आउटस्टैंडिंग एनपीए, टोटल वैल्यू, टोटल बैड लोन्स, और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है बैंक क्या करता है, देखिए एक प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होती है कि उस लोन के अगेंस्ट, उस लोन की रिस्क के साथ साथ बैंक एक पैसा मैनेज करता हुआ चलता है, प्रोविजनिंग करनी पड़ती है उसको, कुछ पैसा अपने अदर प्रॉफिट से मैनेज करते हुए। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो को अगर माइनस कर दिया जाए
ग्रोस एनपीए में से, तो वो बन जाता है नेट एनपीए, वो बन जाता है नेट एनपीए कि बैंक के पास कितना पैसा वो मैनेज कर चुका है उस लोन को कवर अप करने के लिए, जो नेट उसका पैसा पेंडिंग पड़ा है, जो उस नेट लॉसेस चल रहे हैं उसको बोलते हैं एनएनपीए। तो ग्रोस एनपीए सितंबर 2020 में हो जाएगा 9.9, सितंबर 2019 में 9.3 था, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। और ये था शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, ये था शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ये है अभी 12.7% सितंबर 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, और सितंबर 2020 में चला जाएगा ये 13.2% पे, 13.2% के ऊपर। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स के लिए 3.9 है, ये बढ़ जाएगा 4.2, और फॉरेन बैंक्स के लिए 3.1 पे है, और फॉरेन बैंक्स के लिए 2.9 पे है और चला जाएगा 3.1 पे। क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करें, देखिए क्रेडिट ग्रोथ क्या होता है, बैंक कितना ज्यादा पैसा लोन में ज्यादा चैनलाइज कर रहे हैं, ज्यादा कितना बैंक अपना पैसा क्रेडिट बढ़ा रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रेडिट ग्रोथ। तो क्रेडिट ग्रोथ 8.7% रहा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, और पहले अगर हम पीछे की बात करें तो पहले 13.2% था मार्च 2019 में, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये डिक्रीज होकर आ गया 8.7 पे। और नेट एनपीए की अगर हम बात करें, नेट एनपीए कितना हो गया, नेट एनपीए 3.7% पे आ गया है। चलिए, और इसके बाद प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूं, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 60.5% थी और बढ़कर 1% बढ़ गई है, 61.5% हो गया प्रोविजनिंग, मतलब बहुत अच्छी बात है, बैंक मैनेज कर रहे हैं। और कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो इंप्रूव हुई है, कितनी होगी, 14.3% से 15.1% चले गई है सितंबर 2019 तक। और ये था किसके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये चली गई है 12.2% से 13.5% तक। सरकार ने 3 बैंक्स में पैसा दिया, सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल इन्फ्यूजन किया 2019-20 के अपने बजट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि 2019-20 में सरकार 70,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन करने वाली है। तो आउट ऑफ दैट मनी गवर्नमेंट ने अभी अभी 3 बैंक्स के अंदर 8,655 करोड़ रुपीज दिए। तो ये बैंक कौन कौन से है, इलाहाबाद बैंक जिसको मिला 2,153 करोड़ रुपीज, इंडियन ओवरसीज बैंक जिसको मिला 4,360 करोड़ रुपीस, एंड यूको बैंक जिसको मिला 2,142 करोड़ रुपीस। ये 3 बैंक्स को 8,655 करोड़ रुपीस दिया गया। इलाहाबाद बैंक जो कि इंडिया का सबसे पुराना बैंक है, 1865 में बना था ये, अभी मतलब जो बैंक वर्क कर रहे हैं उनमें से सबसे पुराना है ये इंडियन बैंक के अंदर मर्ज हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक की हम बात करें तो ये 1865 में बना और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर, कोलकाता में। फर्दर बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक बना था 1937 में, 1937 में, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, और इसके जो MD CEO उनका नाम है करनम शेखर, करनम शेखर। यूको बैंक, यूको बैंक की अगर मैं बात करूं तो यूको बैंक बना था 1943 में, इसका भी हेडक्वार्टर है कोलकाता में, कोलकाता में, अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल इसके MD and CEO है, इसके MD and CEO है यूको बैंक। कर्नाटका बैंक ने बेसिकली एक लॉन्च किया है क्या, KBL एक्सप्रेस SB अकाउंट, SB मतलब सेविंग बैंक अकाउंट, कर्नाटका बैंक लिमिटेड एक्सप्रेस सेविंग बैंक अकाउंट, ये लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने। देखिए इसके चलते हुए क्या होगा, बेसिकली इसको हम बोलते हैं टैप बैंकिंग, इन्होंने टैप बैंकिंग, टैबलेट बैंकिंग लॉन्च की है कि इनके जो ऑफिसर्स होंगे, इनके जो एम्प्लॉयज होंगे, वो अकाउंट ओपनिंग के लिए कस्टमर्स के पास जाएंगे अपना टैबलेट लेकर, और 10 मिनट के अंदर अंदर उसका अकाउंट वहीं पे ओपन कर देंगे सारी फॉर्मेलिटीज के साथ। ये लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने, कर्नाटका बैंक जो कि 1924 में बना था, 1924 में, इसका हेडक्वार्टर है मैंगलुरु के अंदर, मैंगलुरु में, मैंगलुरु कर्नाटका के अंदर ही है, मैंगलुरु भी कर्नाटका के अंदर है। तो कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है क्या, KBL एक्सप्रेस सेविंग बैंक अकाउंट। RBI ने लेंडिंग लिमिट पे, P2P प्लेटफॉर्म्स की लेंडिंग लिमिट पे, बेसिकली लेंडिंग पे एक लिमिट लगा दिया 50 लाख रुपीज का, 50 लाख रुपीज का। तो देखिए 50 लाख रुपीज का लिमिट क्या है कि जो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ये मैक्सिमम एक बार में 10 लाख रुपए से ज्यादा का जो प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हुए इन्होंने इनको एक P2P प्लेटफॉर्म्स को एक सर्टिफिकेट परचेज करना पड़ेगा एक किससे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जिसका नेटवर्थ कम से कम 50 लाख रुपए होना चाहिए। तो 10 लाख से ज्यादा जब भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनको एक सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा 10 लाख से अपर का, 10 लाख से नीचे का कोई सर्टिफिकेट देने की रिक्वायर्ड नहीं है, 10 लाख से ऊपर जब भी ये इन्वेस्टमेंट होगी तो इनको 50 लाख की वर्थ वाले एक CA से एक सर्टिफिकेट बनवा कर देना पड़ेगा।
ये आरबीआई ने लिमिट लगा दी है पी टू पी प्लेटफॉर्म्स पे, पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं इनको, 50 लाख रुपए की। आरबीआई ने पीपीआई लॉन्च किया है, दैट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है डिजिटल ट्रांजेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए पीपीआई क्या होता है, वॉलेट्स, जो वॉलेट्स होते हैं हमारे पास उनको बोलते हैं पीपीआई। तो आरबीआई ने बेसिकली वॉलेट्स के लिए कुछ टर्म्स चेंज किए हैं, तो बेसिकली एक लिमिट लगा दिया क्या 10,000 रुपए का, कि आप एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा अपने वॉलेट्स में एड ऑन नहीं कर सकते। और देखिए वॉलेट्स जो होते हैं वो कभी मनी ट्रांसफर के लिए नहीं होते, वॉलेट्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज के लिए उनके लिए होते हैं ये पीपीआईस। तो पीपीआईस के चलते हुए आरबीआई ने इसके अंदर एक लिमिट लगा दिया 10,000 पर मंथ की, आप एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा एड ऑन नहीं कर सकते और आप एक साल में 1,20,000 रुपए से ज्यादा एड ऑन नहीं कर सकते इनमें पैसा, दैट इज पीपीआईस। फिफ्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी आती है बाई मंथली, अब पहले ये ईयरली था, फिर क्वार्टरली हुआ, फिर सिक्स मंथली हुआ, फिर क्वार्टरली हुआ, बाई मंथली आता है हर दो महीने में एक बार। तो अभी हमारा जो ईयर ऑनगोइंग है 2019-20 की ये पांचवी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी जो आई थी दिसंबर में, सिक्स आएगी फरवरी 2020 में, एक साल में 6 आती है क्योंकि बाई मंथली आती है। तो इस फाइनेंशियल ईयर की ये पांचवी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो इस बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने बेसिकली कोई चेंज नहीं किया था, तो सबका सब वैसे ही था। बस एक चीज आरबीआई ने चेंज की थी, वो थी इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट। तो इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट आरबीआई कहता है 5%, और अगर मैं पॉलिसी रेट्स और रिजर्व रेट्स की बात करूं तो देखिए पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट 5.15%, रिवर्स रेपो रेट 4.90%, बैंक रेट 5.40%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.40%। ये तो थे पॉलिसी रेट्स। अगर मैं रिजर्व रेट्स की बात करूं तो रिजर्व रेट्स में आता है कैश रिजर्व रेशियो, ये कितना है 4%, और स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है 18.25%। देखिए एसएलआर की बात करें तो एसएलआर को आरबीआई ने फिक्स किया हुआ है कि ये हर क्वार्टर में चेंज होता है, हर क्वार्टरली बेसिस पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये अभी हमारा जो क्वार्टर शुरू हुआ है जनवरी का, तो जनवरी में ये 8.5 से 8.25 हो गया, और नेक्स्ट अप्रैल में जाकर नेक्स्ट क्वार्टर में ये फिर से 0.25% डिक्रीज हो जाएगा और 18 हो जाएगा। ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अपने आप चेंज होता है। ये थी आरबीआई की पांचवी बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी की रिपोर्ट 2019-20 की। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 2, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।